हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम तिल और मावा के लड्डू बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने 3/4 कप तिल लिए हैं, उसको हमने अच्छे से साफ भी कर लिया है। हमें लो फ्लेम पे इनको भूनना है। तिल गर्म होता है, इसलिए सर्दियों में खाया जाता है और कैल्शियम रिच होता है, इसलिए हमें तिल का उपयोग करना चाहिए सर्दियों में। तिल को हमें ज्यादा नहीं भूनना है, बस तिल भूनने की यही पहचान होती है कि वो हल्का हल्का फूल जाता है और हल्का सा कलर चेंज हो जाता है। ज्यादा नहीं करना है हमें, खुशबू भी आने लग जाती है जब भून जाते हैं तो। अब हमारे तिल भून चुके हैं, अब हम गैस की फ्लेम बंद करके इनको दूसरी प्लेट में कर लेंगे। अब हम मावे को भी हल्का सा भून लेंगे। हमने 250 ग्राम मावा लिया है। मावा हमारा भुन चुका है, अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। अब हम एक मिक्सिंग बोल में मावे को कर लेते हैं। अब हम आधे तिल को मिक्सी में पीस लेंगे और आधे ऐसे रहने देंगे। पिसे वाले तिल और जो साबुत तिल रखे थे हमने आधे, वो भी डाल देंगे। हमने 1 कप बोरा ली है, आप इसकी जगह पे पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, 5 हमने बादाम लिए हैं, 5 काजू, 5 पिस्ता और 10-12 हमने किशमिश लिए हैं, और हमने उनको अच्छे से कूट भी लिया है। अब ये मिक्स कर लेंगे, सब कुछ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम लड्डू बना लेते हैं। छोटा बड़ा जैसे भी आप चाहें बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाता है। हमने इसी तरीके से सारे लड्डू बना लिए हैं, आप भी बनाएं और एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।